Hi everyone, how are you all? This is Anshi Bhatia from evidyarthi.in and now we are going to talk about a brand new exercise, exercise 5.5. First question, we have to differentiate this with respect to x. Cos x into cos 2x into cos 3x. So, these are the functions that multiply. So, it can be that this question in the exam, in your mind, we fit the product rule in this. कोई भी ये दो उठा लो या ये दो उठा लो ग्रुप बना लेते हैं इसको एक v मान लिया इसको u मान लिया या फिर इन दोनों को u मान लिया इसे एक को v मान लिया u into v प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं काम बन जाएगा लेकिन वैसा करोगे तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी अगर लॉग महाशय की एंट्री करा दोगे तो मेहनत कम करनी पड़ेगी तो ये एक्सरसाइज हमारी बेस्ड है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो आपको ये भी समझ में आ गए होंगे फॉर्मूले अगर नहीं देखी तो आपके लिए लिख दिया मैंने अगर आपने नहीं देखी तो अगर आपने देख ली है वीडियो तो आपको वो भी समझ में आ गया होगा उसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने लिखवाए थे तो बाय चांस यू हैव नॉट वॉच्ड इट एंड जस्ट क्विकली रिकॉलिंग इट कि जब बहुत सारे चीजें बहुत सारी टर्म्स मल्टीप्लाई डिवाइड या कुछ पावर हो रही है तो हम लॉग लगाते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए या फिर कब लगाते हैं लॉग जब ऐसा हो कि पावर में वेरिएबल है ठीक है तब हम लॉग लगाते हैं तो जैसे जैसे हम आगे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में बढ़ते रहेंगे आपको और इस चीज की क्लैरिटी हो जाएगी दिमाग में सो राइट नाउ इसको हम सॉल्व करते हैं सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं वाई ठीक है जी चलिए सो लेट वाई इक्वल टू कॉस एक्स cos 2x into cos 3x अब क्या करेंगे taking log both side log लेंगे तमीज से प्यारा सा लिख देंगे एकदम taking log both sides we get तो यहां से आपको क्या मिला y के साथ log लगा तो log by obviously इस पूरे के साथ लॉग लगा मतलब कि कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है बाहर लॉग है तो क्या करेंगे लॉग को अलग अलग के साथ लिख देंगे यहाँ दो थी यहाँ तीन है चाहे 300 हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फॉर्मूले में कैसे करना है अभी बताएंगे सो लॉग वाई जो है वो लॉग ऑफ ये पूरा लिख दिया आपने अब यहाँ पे तीन लिखे हुए चाहे 30 लिखे हुए हमें क्या करना है हर एक क्वांटिटी अलग अलग लॉग को ले रही है अपने साथ इसके साथ लॉग इसके साथ लॉग इसके साथ लॉग जैसे कि यहाँ पे ए और बी ने अभ्यास लॉग रख लिया यहाँ पे भी यहाँ पे भी लेकिन बीच में प्लस इस चीज का ध्यान रखना है आपने ये फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं एग्जाम में आप मेंशन कर दीजिएगा यहाँ मैं लिख चुकी हूँ जो दोबारा नहीं लिख रही सो लॉग वाई जो है वो क्या आ चुका है तीनों के साथ लॉग अलग अलग कर दिया और बीच में प्लस लगा देंगे तो लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x ठीक है जी अब लॉग लेने का फायदा क्या होता है आप कहोगे कि यार लॉग लग गया इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है इससे अच्छा तो हम प्रोडक्ट रूल से ही कर लेते लेकिन वहां पे दो बार प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता यहाँ पे जब आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे ना क्योंकि क्वेश्चन प्लस में आ चुका है इसका एक बार में काम हो जाएगा इसका एक बार में काम हो जाएगा तो साथ में पूरा सॉल्व हो जाएगा एक ही बार में ठीक है जी और ये तो फिर भी हुआ सिंपल है आगे चलिए तो तुम्हें और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कि अगर तुम नॉर्मल मेथड से करोगे ना तो सदियां बीत जाएंगी लॉग लेते ही दो स्टेप में आंसर ठीक है जी तो आप क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे ऑब्वियसली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x we get भाई log something का derivative क्या होता है log x का derivative होता है 1 by x होता है कि नहीं होता है बिल्कुल होता है कैसे समझाया था इसको याद कराने के लिए कि log गिर जाते हैं differentiate कर दो तो नीचे गिर जाते हैं तो ये जो भी अंदर लिखा हुआ है लॉग के साथ वो नीचे पदक जाएगा ठीक है मतलब कूद के नीचे चला गया तो अब लॉग के साथ जो भी है उसको हम नीचे लिखेंगे
क्योंकि हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो 1 अपॉन y तो आ गया, लेकिन ये x नहीं है, ये y है, x से हटके है कुछ, इसका मतलब चेन रूल लगेगा। अब हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन एंड दिस इज नॉट x, सो ऐसे केस में क्या फॉर्मूला बनता है अकॉर्डिंग टू चेन रूल। अगर आपने नहीं देखी ना चेन रूल की इंट्रोडक्शन वीडियो तो वो भी देख लो, क्योंकि भाई साहब बाय गॉड बता रही हूँ, अगर चेन रूल नहीं सीखा ना तुमने इस चैप्टर में तो कुछ नहीं सीखा, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन उससे काम में आते हैं एग्जाम में। सो लॉग स्टार का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्टार तो हुआ, लेकिन स्टार्ट में आपने स्टार का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसको चिपका लो। अगर अभी तक तुम्हारी कॉपी में नहीं लिखा है स्टार वाला तो प्लीज एग्जाम में स्टार मत लगा देना, दिस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो लॉग के अंदर जो भी है वो नीचे चला गया और साथ में उसी का डेरिवेटिव हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल बी y डैश। अब सेम कथा चलेगी लॉग cos के साथ, अब ये cos x मान लो स्टार है, तो लॉग स्टार का डेरिवेटिव हुआ 1 अपॉन स्टार इनटू डेरिवेटिव ऑफ स्टार यानी कि डेरिवेटिव ऑफ cos x व्हिच इज माइनस sin x, तो प्लस 1 अपॉन cos 2x, क्योंकि नया स्टार ये आ चुका है, ये तो निपट गया, अब इसकी बात कर रहे हैं, तो cos 2x नीचे पहुंच गया लेकिन साथ में डेरिवेटिव ऑफ cos 2x अभी लिखेंगे यहाँ पे प्लस। अब इसको देखो, अब यहाँ पे ये नया स्टार ये बन गया, log स्टार का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos 3x इनटू में डेरिवेटिव ऑफ cos 3x, तो अब हमें बात करनी है डेरिवेटिव ऑफ cos 2x एंड डेरिवेटिव ऑफ cos 3x, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, cos समथिंग का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन समथिंग इनटू में उस समथिंग का डेरिवेटिव, इसको भी चिपका लो कॉपी में अगर नहीं लिखा है अभी तक, तो क्या है ये चेन रूल है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये cos के अंदर कुछ और है, स्टार है, तो इसका डेरिवेटिव जब करोगे तो माइनस साइन वो सेम चीज तो चिपकाओगे, लेकिन उस सेम चीज का डेरिवेटिव यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अप्लाई करके बताती हूँ कैसे, cos 2x था, cos 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x आ गया, आगे कि नहीं आ गया, लेकिन ये x थोड़ी ना, ये तो 2x है ना यार, तो माइनस साइन समथिंग आ गया इनटू में इस समथिंग का डेरिवेटिव यानी कि 2x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, इसको हम यहाँ लिख देते हैं ऊपर 2x का डेरिवेटिव 2 होता है ना। अब सेम cos 3x का डेरिवेटिव करना है, माइनस साइन 3x तो आया और साथ में डेरिवेटिव ऑफ 3x यानी कि 3 साइन 3x और वो भी माइनस का, तो माइनस ये बन गया, यहाँ पे 3 बना दिया मैंने, इनटू कर दिया और साइन 3x। अब इसको हमें करना है सिंप्लीफाई, अब इसको क्विकली सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है, तो हम इस हॉटस्पॉट को इरेज कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं, तब तक आप वीडियो पॉज करेंगे और खुद इसको आगे करने की कोशिश करेंगे। फाइंड हमें dy by dx करना था, ये नहीं चाहिए हमें, सिर्फ ये चाहिए, तो इसको हम वहां ले जाएंगे, तो आप खुद ट्राई करो, गिव इट अ पॉज एंड ट्राई, नहीं होता तो फिर मैं तो कर ही रही हूँ। हाँ जी, तो हमने देखे यहाँ पे क्या किया है, माइनस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, तीनों में माइनस है, तीन ही टर्म्स है, तीनों में माइनस है, पूरा माइनस बाहर ले जा सकते हैं ना, ठीक है, तो बाहर ले जाएंगे इस माइनस को, अंदर की सारी टर्म्स प्लस की रह गई। अब ये क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि टैन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि टैन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी कि टैन थीटा, ऊपर और नीचे एंगल सेम होना चाहिए इतना मैं बता दूं, क्योंकि कुछ महानियां करते हैं, ऊपर लिखा हुआ साइन टू एक्स, नीचे लिखा हुआ कॉस एक्स, साइन बाय कॉस देखते ही टैन बाय, जब एंगल सेम होने चाहिए साइन के अंदर और जो कॉस के अंदर है, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर नीचे सेम है, ऊपर नीचे सेम है, ऊपर नीचे सेम है, तो ये बन गया टैन एक्स क्योंकि थीटा यहाँ एक्स है, ये बना टैन टू एक्स क्योंकि थीटा यहाँ पे टू एक्स है, उसी तरीके से ये बना टैन थ्री एक्स, तो माइनस बाहर आ चुका है tan x, tan 2x, tan 3x, इसके साथ कोई नंबर नहीं था, इसके साथ 2 था, इसके साथ 3 था, तो ये इतना बड़ा सा हमने ऐसे लिख दिया प्यारा सा शॉर्ट में, लेकिन ये y डैश नहीं है, ये है y डैश अपॉन y, तो मुझे y नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ y डैश चाहिए, तो मैं इसको ऊपर ले जा सकती हूँ, सो y डैश इज
तो अभी देखेंगे सो y डैश जो आएगा वो क्या आएगा, y को ऊपर ले जाओ, लेकिन y यहाँ लिख दोगे तो आंसर सही हो जाएगा। आंसर थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाएगा, y में नहीं लिखा जाएगा, y की वैल्यू ये थी हमने लेट किया था, तो क्वेश्चन हमारा x में, आंसर भी हमारा x में होना चाहिए। आप ऐसे नहीं छोड़ेंगे, y की जगह पर वो लिखेंगे जो y के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे y लिख दिया मैंने, cos x, cos 2x, cos 3x into tan x plus 2 tan 2x plus 3 tan 3x। होपफुली पूरा आंसर, ये इतना लंबा था, आई होप आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि मैंने क्या लिखा हुआ है। एक मिनट हट रही हूँ भाई, साइड हट रही हूँ मैं। तो ये क्या आया, y dash is minus cos x cos 2x cos 3x, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, ये पूरा किससे मैं दिख रहा हूँ, ये पूरा y से हुआ था ना, क्योंकि तो y ही तो लिखा हुआ है, और ये जो माइनस है ये भी लिखना है, तो tan 2x plus 2 tan 2x plus 3 tan 3x, this is the answer, this is the derivative of y। तो ये जो क्वेश्चन है दिखने में लग रहा था बड़ा, अभी भी हो सकता है कि मैं लग रहा हूँ कि यार ये तो कॉम्प्लिकेटेड सा है, कैसे होगा, बट ऐसा नहीं है, दिस इज जस्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। आगे के करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी, बस लॉग देख के घबरा जाते हो, दैट इज द प्रॉब्लम, बट ऐसा नहीं है, कुछ नहीं किया ना, अपॉन में ले गए साथ में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से जब इससे मान लो यहाँ पे cos 4x cos 5x cos 6x पूरा ऐसा 6 लिखा होता, तब भी लॉग ले लेते सेम तरीके से काम हो जाता, तो इसमें वही फिक्स्ड रहते, रिटाइज्ड है, पर कुछ नया नहीं करना। तो आगे क्वेश्चंस करते हैं, आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, कॉपी पेन लेके बैठो, देखते हैं कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हो और कितनों के लिए आपको जरूरत पड़ती है यहाँ से देखने की। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू विद अनदर क्वेश्चन, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अपना ध्यान रखो एंड कीप लाइकिंग योर वीडियोस, बाय बाय।